मैं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, और जैसे कि यार आप लोग मेरे चैनल पे इंटरव्यूज देखते थे, अब आपको देखने को मिलेंगे व्लॉग्स। बोले तो वी लॉग्स, दोनों में से कुछ भी कह लो, दोनों सही है। सो अब मैंने चालू कर दिया कि इंटरव्यू तो मैं करता हूँ, उसके अलावा लोगों से, आर्टिस्ट से मिलूं मैं, और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो आज मैं जा रहा हूँ एक म्यूजिक लेबल के ऑफिस में, उनके बहुत ही जबरदस्त और जी फाड़ आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी एक रैप एल्बम अभी लॉन्च की है। तो उनसे मैं एल्बम के बारे में बात करूंगा, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करूंगा, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में वो सब हम लोग थोड़ा चिल करेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो वो आप देखोगे। वैसे नाम आपको पता लग गया होगा नीचे, जो वो है क्या बोलते हैं टाइटल, उसमें पता लग गया कौन है, मैं किस आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार भाई से दोबारा मिलने को, मतलब जितने बार मैं उससे मिलता हूँ उतने बार मुझे और ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करता है और इंसान बहुत बढ़िया है। तो आपको देखने को मिलेगा, मेरे साथ बने रहो, और पीछे ये जो है मेरे गुरु है, इनका आशीर्वाद लेके मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। वैसे ये है कौन, उत्तरी यार, ये तो मैं हूँ, और ये मेरे को गिफ्ट किया था zomboy.abhinav, जो कि बहुत ही अच्छा डिजिटल आर्ट करता है और साथ में डांसर भी है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का डिजिटल आर्ट बनवाना तो डीएम करो तो मेरे भाई को इंस्टाग्राम जाकर। सर अभी निकल चुका हूँ मैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको बताइए किससे, नीजी भाई से मिलने के लिए। तो यार ये जो हमें रहता है ना मुंबई में, अंधेरी ईस्ट करके जगह है, उसमें जगह है मरोल करके, बहुत ही खतरनाक जगह है, और ये जो है ना बहुत ही यहाँ पर जो है बिल्कुल वाइब जो है ना बिल्कुल गली वाली वाइब है। सो वही मैं दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर एक और गाना शूट हो सकता है, और नेजी भाई की बात करते हैं, डिवाइन भाई की बात करते हैं, एक गाना आता है मेरी गली में, तो इस जो गली है ना इसकी वाइब भी बिल्कुल वैसी है, मेरी गली वाली खतरनाक बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना शूट हो सकता है, अगर किसी को लोकेशन चाहिए तो वो मुझे डीएम कर दे, मैं रेंट पे लोकेशन दे दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, फ्री है यार बिल्कुल। तो ये मैं जा रहा हूँ अभी नेजी भाई से मिलने, नेजी दब्बा। सो अब तो मैं निकल चुका, मेट्रो लूंगा उसके बाद। उधर क्या लगा है? मैं बैग उठा रहा, उठा रहा हूँ, ऑलरेडी शूट कर रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक ठीक। हाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो लूंगा, उसके बाद सीधे आपको दिखाऊंगा मैं स्टूडियो में नेजी, ठीक है। A few minutes later. So finally, यार मैं पहुंच गया बिग बैंग के ऑफिस, और ये जो पीछे आप डोर देख रहे हो इसे बोलते हैं आर्टिस्ट लॉन्च। इसके अंदर ये ना बहुत सारे आर्टिस्ट बैठते हैं, चिल करते हैं, और नेजी भाई भी अंदर है, तो सीधे चलते हैं अंदर यार बिना टाइम वेस्ट किए। क्या बोल रहे हैं नेजी दाबाद, तालियां तालियां। ओ क्या बोल रहे भाई, कौन हो तू? मैं आयला। ऐसा लग रहा है पीछे किसी ने शीशा रखा हुआ है, दोनों भाई सेम दिख रहे लेकिन बस कपड़े अलग है। Well, it's not funny. मैं राज जोन्स, मेरे ये मेरे भाई है प्रणव भाई। कैसे हो राज भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया, एक नंबर। एक दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा बन गया है, अभी बम्बई हिप हॉप का बंदा, इसको इधर लेकर आओ। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। और प्रणव भाई के बारे में बताते हो, नीचे भाई की टीम में सारा उनका ख्याल रखते नहीं रखते भाई? बिल्कुल पूरा, बिल्कुल सही है। तो आप थोड़ा क्लोज आते हैं नीचे भाई के साथ बैठ के थोड़ा चिल करते हैं। अभी क्या बम्बई की गली वली में घूम रहा है, दिल्ली का फिल्मी लौंडा नहीं रहा है। हाँ भाई, अब तो अब मैं इंडिया का बम्बई का हिप हॉप लौंडा हो गया। अब मैं यही सोच रहा हूँ, यही नाम रख दूंगा, मैं हूँ इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, और मेरे साथ है नेजी भाई। और पीछे देखो जैसे हमें दिख रहा है पोस्टर है मगरेब, मगरेब पे बात करने से पहले भाई तालियां बजाओ, क्योंकि नेजी भाई को हो गए हिप हॉप सीन में 6 साल। तालियां बजाओ पहले भाइयों के लिए, तालियां। आफत भाई 6 साल पहले निकाला था, ये 6 साल कैसे रहे पहले मुझे बताओ थोड़ा बहुत। और बहुत एक्साइटिंग रहे, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत मजा भी आया, बहुत सारी नई चीजें देखने मिली, सीखने मिली, नए लोगों से मिलने मिला। हाँ। और बहुत एक्साइटिंग सफर रहा है 6 सालों का। बहुत सही भाई, मुझे लगा जो आपका सफर बड़ा खतरनाक था और अब जो एल्बम आई है मगरे भाई, मैंने सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरा फेवरेट ट्रैक होता कौन सा इनमें से? प्यार वाला, भंटाए वाला, और एक और था वो नाम भूल गया, वो बहुत सॉलिड था भाई, मतलब मोस्टली और मगरेब टाइटल ट्रैक, मुझे भाई 4 गाने तो मुझे बहुत ही किलर लगे भाई। हाँ। आप बताओ आपने मेहनत की है एल्बम पे, कितनी मेहनत करी वो मुझे जानना चाहता हूँ। मेहनत तो की है मैंने, और मैं अपने हर ट्रैक पे हर गाने पे मेहनत करता हूँ, और हर कंटेंट जो भी हम लोग बनाते हैं सब पे मेहनत होती है। एल्बम पे भी हम लोग ने मेहनत की, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी जो मुझे अपने गाने के थ्रू लोगों तक पहुंचाना था। हाँ। और पिछले 4-6 महीने से हम लोग काम कर रहे थे इस एल्बम पे, और बहुत मजा आया इसको बनाने में, मेहनत जितनी कर रही है उससे ज्यादा मजा आया मुझे। बहुत सही भाई, बहुत मेहनत की आपने, मेहनत तो फल लेके भी आ रही है। अच्छा यार लोग ना थोड़ा सा डिबेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं जो नया नेजी है मगरेब वाला ये बहुत जी फाड़ है,
कुछ लोग बोल रहे कि यार अपने को पुराना वाला निक्सी चाहिए था, नया वाला क्या अब बोलो ना कुछ यार उनको, क्योंकि नया है मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है कि नो वो एक अगर जैसा इवॉल्व होता है, आर्टिस्ट इवॉल्व होता है वक्त के साथ साथ। अब मुझे भी बहुत सारे जो मेरे खास लोग थे, मेरे नजदीकी लोग थे, उन लोग बोल रहे थे कि तू बहुत पुराने तेरे जो फ्लोस थे और पुराना जो तरीका था वो भी बदल गया है, क्योंकि जमाने के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि मैं अपने पुराने नेजी नए नेजी को मिला जुला के कुछ बनाऊं, और मुझे लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। कोई बोल रहा है कि तू पुराने नेजी के जैसा साउंड कर रहा है, लगता है वापस वो वाला नेजी वापस आ गया है। कोई बोल रहा है कि ये बहुत नया नेजी है, हम लोग को पुराना नेजी वापस चाहिए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं पुराना रहूं नया रहूं, मैं तो फ्लो के साथ जा रहा हूं। और मुझे लगता है मैं जैसा पहले था वैसा अभी भी हूं, उसमें कुछ ज्यादा म्यूजिक में चीजें इवॉल्व हुई, चीजें बदली है कि मैं नए प्रोडक्शन, मेरा प्रोडक्शन में थोड़े नई चीजें आ गई है, थोड़े नए आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया हूं, फ्लो थोड़ा चेंज कर रहा है, वही जैसे आपकी वोकैबुलरी है वो जो एक्सपेरिमेंट किया है, काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। और म्यूजिक और कंटेंट बनाने के लिए, म्यूजिक बनाने के लिए तुमको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है कि तुम हमेशा अपने म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो, खेलते रहो उसके साथ, क्योंकि उससे नई नई चीजें ईजाद होती है। यस और भाई मुझे ऐसा लगता है नेजी पुराना हो या नया हो, नेजी तो नेजी है ना, जी फाड़ ओ, ये तो काम तो करते रहेगा भाई वो सही है। कुछ खाए भाई? हाँ लो ना भाई खाओ। आप लो ना भाई, क्या है इधर? सैंडविचेस है भाई। और यार और दूसरी चीज है इधर खाने के लिए मेरा दिमाग नहीं भाई, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं चाहता हूँ आपका दिमाग जो है वो रैप सॉन्ग में लगे रहे। और भाई ये कुछ दिख रहा है आपको? ओहो ये क्या है? एक गिफ्ट बॉक्स भी आ गया आपने लिखा है, एंड में दिखाया। राज जोस बोलता है मैं खाली हाथ नहीं आता। हाँ भाई यार, मतलब भाइयों के लिए अगर मिलने आओ तो खाली हाथ कभी हमारे ऑफिस में आया, हम इसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। क्या क्या बात है भाई, तो पप्पी दोगे मेरे घर? ढेर सारा प्यार देंगे यार, सिर्फ पप्पी से ही प्यार नहीं होता है। क्या बात, अब मैं समझ गया। फाइट वाइट से भी होता है क्या? नहीं अब भाई मैं मजाक कर रहा था। गुच्छी देखो तो मार यार। याद रखिए यार कि इधर आया था भाई। यार सेम सेम भाई, ऐसे मत करो यार। अच्छा जो हमारे वो है क्या बोलते हैं बीट प्रोड्यूसर्स, उनको शॉर्ट आउट देते हैं, करण कंचन, बिग बर्ड और एक और भाई कॉम्पा मेरे को ब्रिटेन में मिला, यूके में। बहुत खतरनाक उसका स्टाइल है, ग्राइम व्राइम में और ट्रैप रैप, बहुत अलग अलग ऐसा फ्यूचरिस्टिक टाइप का बीट बना रहा था। तो मेरे को मेरा एक दोस्त है, मेरा एक क्रू है, उन लोग बहुत सालों से वहां पर रैप करे लंदन में, उन लोग ने मेरे को उससे भेड़ा है। तो उससे मैं मिला, उससे बातचीत किया, उसका जोन मेरे को समझ में आया। हम लोग ने मगरिब का टाइटल ट्रैक वहीं पे बनाया, तो वो एक अच्छा प्रोडक्शन। फिर बिग बर्ड, करण कांचन, इन लोग ने भी किल किया, इन लोग के साथ काम करने बहुत मजा आया। करण कांचन को तो मैंने फुल हिप हॉप हेड बना दिया, समझ रहे हो, ओल्ड स्कूल, उसको इतना सुनाया इतना सुनाया, ये सुनो वो सुनो ये सुनो वो सुनो, वो पागल हो गया। फिर उसको थैंकफुली उसको मेरी भाषा समझ में आती, उसको बोल लेगा मेरे को हथौड़ा चाहिए, मस्का चाहिए, ये चाहिए, खोपरा चाहिए, जो उसको बोलो किला टुक्के चाहिए, तो वो सब वैसा वैसा बनाता है, समझ लो, किक स्नैर पैटर्न ड्रम हॉल सब उसको आइडिया हो गया, मेरी भाषा समझ गया हो। सही भाई। फिर बिग बर्ड के साथ भी मजा आया, क्योंकि बिग बर्ड को हिप हॉप की भाषा समझती है, तो वो पहले से करते हुए आ रहा है, पुराना चावल है, तो उसको ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मैंने पहले अपना धुन तैयार किया, फिर उसको बोला इस पे गाना बना, तो उल्टा काम किया बिग बर्ड के साथ। अच्छा हाँ, तो मैं ऐसी फ्री स्टाइल कर रहा था, वो जो गाना है मेरे बनता है, मैं ऐसी बैठा हूँ एक विशाखापट्टनम में होटल में बैठा हूँ। हाँ। वहां पर मेरे को मैच के लिए बुलाया थे क्या, किसी को गिफ्ट विफ्ट देने के लिए? हाँ, याद है मुझे। हाँ, तो मेरे को उसमें मजा नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ और करने का था, तो मैं होटल पे आके फ्री स्टाइल कर रहा हूँ। उसमें मैं एक बीट चालू करके हिप हॉप बीट बिना रिदम के, सिर्फ किक और स्नेयर है, सिर्फ ड्रम्स है, और उसपे मैं अपने अपने फ्लो स्विचेस करते जा रहा हूँ। जो तुम बोल रहे थे ना नया फ्लो लाया, नया फ्लो, तो उसमें मैं फ्लो स्विच ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कितने फ्लो निकलते। तो एक दो तीन चार पांच छह ऐसे फ्लो निकालते निकालते एक फ्लो ना, हमारे बचपन की याद, मतलब गली में एक बंदा आता था रमजान में, तो वो सहरी के लिए उठना पड़ता है 4:30 बजे सुबह में, तो वो बंदा आके ना ऐलान करता था और गली की सारी पब्लिक को उठाता था। अच्छा। तो उसका एक पर्टिकुलर धुन था, एक सर्टन तरीके से वो गा के उठाता था, मतलब समझ रहे हो। हाँ। वो बहुत सही ऐसा गाता था। तो जब मैं फ्री स्टाइल फ्लो कर रहा था तो एक चीज उससे मैच होने लगी। ओके। तो मेरी पुरानी यादें मिलजुल के, समझ रहे हो, मेरे बंटाए का एक हुक बना, तो मेरे बंटाए 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 पीछे पीछे अरे सारे मेरे बंटाए, वैसा हुक बना, मजा आने लगा। और उसके उसका और भी एक्सट्रैक्शन था गाने का, मैंने उसको काट पीट के छोटा करा, उसको बिग बर्ड को भेजा, भाई ने एक नंबर बीट तैयार करी उसके ऊपर, और
हम लोग को काम करने बहुत मजा आया। जैसे जैसे वो बीट भेज रहा था एक एक आइडियाज, उसके पास भी बहुत सारे आइडियाज है भाई। यार वो बंदा बाहर फाड़ रहा है, भिंडा भी फाड़ रहा है अपने। हाँ हाँ जरूर फाड़ेगा भाई, जो जिसके पास अच्छा टैलेंट है, जो सही काम कर रहा है, वो हर जगह फाड़ेगा भाई। भाई एक मुझे सवाल पूछ रहा था, मतलब कि जो आपका भंटाए है, और वैसे भंटाए बोलते तो, और उसकी स्पेलिंग भी बहुत अलग है, ये क्या मतलब क्या मान रहा है ये? समझ जाओ हम लोग का भंटाए थोड़ा रियल है, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब जो रियल प्रोनाउंसिएशन है उसका, जैसे पब्लिक भंटाए बोलती है, वो कैसा हो गया है, वो जब ज्यादा ट्रेंड में आ जाती है ना चीजें, तो उसमें बहुत सारे अपने अपने दिमाग भी लग जाते हैं, तो समझ रहे हो? वैसे तुम्हारे तक पहुंचा वो, उसका एज गायब हो गया, समझ रहे हो? वो असल में निकला था भंटा है, उसको भंटा है बोला जाता है, लेकिन वो ज्योग्राफिकली ऐसा डिफर करता है, समझ रहे हो? तुम जितना इधर जाओगे उधर जाओ, जो बॉम्बे के जिस पिन कोड में हो तुम, उसके हिसाब से तुमको स्लैंग सुनने मिले। तो भी कोई आयबा को बा बोलता है, कोई बच्ची को अलग अलग तरीके से समझता है, कोई बच्ची को समझता है कि मेरे को बचकाना बोल रहा है, बच्ची बोल रहा है, तो कोई बच्ची सबको बच्ची बोलता है, तो सबका अलग अलग बोलते हैं ना स्लैंग अपने हिसाब से। तो भंटा है हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, मतलब बहुत जमाने से बोल रहे हो, और जो ओल्ड स्कूल भंटा लोग है, उन लोग के मुंह से अपन ने जब भी सुने तो उन लोग ने भंटा ही बोले, उसमें एच आता है, तो भंटा है नहीं, भंटा है, भंटा है। अच्छा, ये मतलब नया कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो ये सीखने को मिला। अच्छा भाई, यू नो कि अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, नहीं सही हो रहा, अभी तो 9 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई यार, मतलब मैं हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन भाई मुझे ये बताओ। अरे तो रख दो ना भाई उसको, तुम क्यों इतना दुख झेल रहे हो? नहीं भाई, मैं स्टैंड भी इसका स्पाइडरमैन है भाई, लेकिन वो करेंगे यार, फील आ रही है, मजा आ रहा है। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, आपके फैंस, अपने भाई बंधु मगरेब, जिन जिन्हें नहीं सुन, उनको क्या बोलना चाहते फिर से बताओ भाई मगरेब के बारे में। भाई मगरेब मेरा पहला एल्बम है, जिसमें 6 गाने अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग गाने, हिप हॉप, देसी, बम्बैया स्टाइल, फुल खतरनाक, वेस्ट कोस्ट का वाइब, ईस्ट कोस्ट, असल में है ईस्ट कोस्ट का वाइब, मैं रहता वेस्ट कोस्ट में हूँ, लेकिन वाइब ईस्ट कोस्ट का है, और ये वेस्ट से आ रहा है, लेकिन इंडिया है तो ईस्ट में, दुनिया के, तो ये पूरा कंफ्यूजन मिला के एक थॉट क्रिएट हुआ मगरेब, और इसमें बहुत सारे अलग अलग गाने हैं भाई, लाइफ फिलोसफी के बारे में, जिंदगी के बारे में, और मेरे सफर के बारे में, और मजाक मस्ती है, एंटरटेनमेंट, फुल धमाल एल्बम है, पब्लिक इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स भी है इसमें, हिप हॉप नेक्स्ट लेवल पे, पब्लिक सुनने को, लोग मचाने के लिए तैयार हो, और भी गाने आ रहे हैं अपने, मगरिब को पहले जोड़ो। सही बात भाई, बहुत यू नो आपकी एल्बम अच्छी है, आपने बोल दिया, लोग जाके देखेंगे। भाई मेरे को ये बात बताओ, जो पीछे एल्बम कवर है मगरिब, इसके बारे में, इसको जो नाम है मगरिब, इसकी क्या वो है, मतलब कहानी, तो क्या देखो फुल सही, मगरिब मगरिब, इसकी मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है वेस्ट, मगरिब का मतलब होता है वेस्ट, तो आज के लिए, आज की तारीख में दुनिया में जो वेस्ट रीजन है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ हिप हॉप का इन्वेंशन हुआ था, जहाँ हिप हॉप का बर्थ हुआ था, तो हम लोग हैं इंडिया में, लेकिन हमारी रूट्स इंडिया में, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा जो इंस्पिरेशन हमें जो मिलता है, पूरा वेस्ट से मिला हुआ है, तो हमने जो हिप हॉप को अपने देशी तरीके से बनाया है, तो इस वजह से मैंने एल्बम का नाम मगरिब रखा। मगरिब का मतलब उर्दू में, मगरिब का मतलब होता है वेस्ट, तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ होता है, तो बॉम्बे जैसे इंडिया के वेस्ट में बिलोंग करता है, तो बॉम्बे का थोड़ा फ्लेवर है इसमें, गाने में, समझ रहे हो, गानों में, तो इसलिए मगरिब का नाम मैंने, मेरे एल्बम का नाम मगरिब रखा है। तो ये कहां से आइडिया इतनी, मतलब रिसर्च करके, सोच साच के, कैसे मतलब? हाँ, तो थोड़ा डीपली सोचा है उसके ऊपर, थॉट डाला है अपना, कि कुछ यूनिक रहना चाहिए, कुछ अलग रहना चाहिए, कुछ गहरा रहना चाहिए, तो हम लोग को गहराई तक जाने का शौक है क्या, अभी हम लोग सबमरीन बुक करने वाले हैं। क्या बात, और पीछे देखो, ये देखो इस फ्रेम से कितना सही लग रहा है, देखो किधर आओ, नील नितिन मुकेश तीनों ने जी है। अच्छा, इसके अलावा लाइफ में क्या चल रहा है? और मैंने सुना है भाई ने एक महंगी गाड़ी ली है, बहुत उसमें गेड़िया मारते हो रात को। रात को, दिन को, हर समय। बताओ कौन सी, कौन बताया मैं रात को गेड़िया मारता हूँ, मतलब लौटे तुमको बम्बई में रहेगा, तुमको भी फ्रेश कटिंग लग रही है क्या? मतलब तुम्हारे भी शूटर हो गए क्या बम्बई? हाँ हाँ, लौंडे अपने हैं भाई, मतलब ऐसे, वो भी मतलब प्रॉपर खतरनाक वाले। अच्छा, शूटर जो खबर होते हैं, मतलब सही सही। मैंने गाड़ी ली है भाई, मर्सिडीज निकाली हम लोग के खानदान में, किसी के पास वो गाड़ी नहीं, हमारे पिन कोड में किसी के पास वो गाड़ी नहीं। क्या क्या माहौल है वहां पर? बहुत सही, वो भी अच्छा लग रहा है, ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, ये सब मिल रहा है मुझे लाइफ में इतने जल्दी, और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे एरिया वाले, खुश है मेरे लिए, और मुझे भी मजा आ रहा है भाई। अचानक से मतलब लोकल ट्रेन ऑटो रिक्शा वाली लाइफ थी अपनी, तो अपने स्नीकर्स गंदे कर रहे थे इधर उधर, समझ रहे हो, लोकल ट्रेन मेट्रो जैसे
जितना हम लोग घूमे उतना कोई और घुमा नहीं है भाई, पूरा टाइम हम लोग उसमें ही रहते थे ट्रैवलिंग करने में। अभी अपने पास ड्राइवर है, अपने पास लग्जरी गाड़ियां है, बाइक है, ये वो, तो अभी अपने वो आराम हो गया भाई, लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई, समझ लो। सही है भाई, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जितनी मेहनत आपने करी है मतलब उसका डबल फल आपको मिलना चाहिए। और जैसे एल्बम जो आपकी, जैसे हम बात करते हैं यू नो, आज आप जो गेटअप है वो भी आपका एल्बम वाला है, ओल्ड स्कूल शर्ट जीन्स और नीचे ये जरा ऊपर करना क्या बात है, एक दाग नहीं भाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे यार यू नो आपने भाई ये 2020 में फर्स्ट एल्बम ड्रॉप की है, इस साल मैं आपको बता दूं कितनी कितनी एल्बम ड्रॉप हो रही है। आपकी एल्बम आ गई इक्का भाई की आई आ रही है, रफ्तार भाई की मिस्टर नायर आ रही है, और जो रैप गॉड है एमिनम उन्होंने भी अपनी एल्बम ड्रॉप कर दी है। सुनिए आपने वो तो डेंजर शॉट दिखाया भाई ने, यह सरप्राइज ड्रॉप, समझ रहे हो, हम लोग का स्टाइल सिमिलर है। मैं जैसे ही देख रहा हूँ ना शॉट क्या हो रहा है भाई, मतलब अचानक से सुबह सुबह मेरे को नया म्यूजिक सुनाई दे रहा है, मैं सुनते जा रहा हूँ सुनते जा रहा हूँ, भाई ने मतलब धमाल मचा दिया भाई, मतलब मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इसने किया कैसे होएगा, और मतलब एक दिन अचानक से 19 गाने ऐसा सरप्राइज, मतलब हम लोग के लिए जो हिप हॉप लिसनर्स है उन लोग के लिए तो दावत हो गई भाई, सुबह सुबह दावत दे दिया। Yes, और मेरा फेवरेट ट्रैक तो गॉडज़िला पे कौन सा? मेरे को सब ट्रैक पसंद है उसमें, मुझे गॉडज़िला पसंद है, गॉडज़िला का लास्ट बिट होक होक सब मेरे को भारी लगा, फिर एक लिटिल इंजन्स है, फिर वो कौन सा ट्रैक सुन रहे थे अपन, क्या क्या है ट्रैक का नाम, लॉक इट अप, लॉक इट अप, हां लॉक इट अप है, फिर फेयरवेल है, फिर वो क्या है और एक यू गोलन है, फिर वो डिप्रेशन के बारे में क्या था, वो डार्कनेस, हाँ ये सब ट्रैक्स उसने ऐसे से बनाया ना जो पब्लिक सुने तो उससे इंस्पायर हुए, उससे मोटिवेट हुए, समझ रहे हो, मतलब सब ऐसे ही टाइम पास हिप हॉप नहीं कर रहे हो, अभी तक इतनी इनिंग्स खेल लिया अगले ने, इतना बड़ा आर्टिस्ट हो गया, आज तक वो मार्केट में वही चीज डिलीवर कर रहा है जो चीज फायदेमंद हो, जिसको जिसको सुन के इंसान सीखता है, समझता है, इंस्पायर होता है। अभी मेरे को कितना मन कर रहा है कि मैं और काम करूं, उसके 19 गाने देख के तो मैं बोला भाई अपन ने तो कुछ भी नहीं किया, 5-6 गाने अपने कहीं भी नहीं, मतलब यहाँ का सीन के हिसाब से बहुत है, लेकिन वहां का सीन अलग है, यहाँ का सीन अलग है, और वो कैसा मालूम, वो इन्फिनिट बंदा है भाई, उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। मतलब बोलते हैं ना हर इंसान की एक क्षमता और बाउंड्री रहती है, उसकी है ही नहीं, सीधा चलते जा रहा है भाई, ही इज रैप गॉड भाई, मतलब। और ये जो आपने ऑनेस्टी दिखाई रहे थी ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, यू नो कि 5 एल्बम गाने मैंने निकाले हैं, मतलब कुछ नहीं है, हाँ, अगर बाहर से कंपेयर करें तो, हाँ सही बात। और बादशाह भाई की एल्बम भी आ रही है 3 AM सेशंस, तो इस साल मतलब इंडियन हिप हॉप में एल्बम भी एल्बम्स आने वाली है, हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो उस पर? मुझे लगता है शुरुआत आपने की है, नहीं शुरुआत तो मेरा भाई ने की है भाई, डिवाइन, हाँ कोहिनूर, सॉरी भाई, और भी लोग ने शुरुआत की, बहुत सारे जमाने से एल्बम का ट्रेंड चलते हुए आ रहा है भाई, लेकिन मुझे लगता है सही ट्रेंड है अभी, क्योंकि हिप हॉप में अभी टाइम हो गया था कि पब्लिक अपने अपने एल्बम निकाले और समझ रहे हो थोड़ा सीन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, क्योंकि सिंगल विंगल तो है इफेक्टिव, लेकिन जो एल्बम से इम्पैक्ट पड़ता है और जो आर्टिस्ट के बारे में एक एल्बम में पता चलता है वो सिंगल से नहीं पता चलता है। और मुझे लगता है अगर एल्बम का ट्रेंड बनता है तो बहुत सही माहौल बनेगा कि लोग और क्रिएटिवली सोचना चालू करेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट टच करेंगे, नई नई चीजें बाहर आएगी, हिप हॉप एक नेक्स्ट लेवल पे आएगा, नए कोलैबोरेशंस होंगे और ज्यादा कंज्यूम होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा, लोगों को पता चलेगा, वर्ड स्प्रेड होगा, एक गाने दो गाने दस गाने दस गाने, हाँ, तो ये सब बंच ऑफ ट्रैक्स का जो एक ट्रेंड है कल्चर है इसको वाकई प्रमोट करना चाहिए इंडिया में, और हो रहा है धीरे धीरे, आर्टिस्ट को भी समझ रहे कि अब मैं इससे बड़ा काम क्या करूं, एल्बम सिंगल हो गया ईपी हो गया तो मुझे एल्बम बनाना, तो अभी सब ध्यान दे रहे हैं। और मेरे लिए तो मगरिब समझ जाओ, ऐसे ही मैं अभी समझ रहा वार्म अप कर रहा हूँ अभी, अच्छा ईपी जैसा एल्बम है मेरा, मतलब उसको समझ रहे हो, अभी ताकत से हम लोग ने पूरे जोरों शोरों से काम शुरू ही किया है, मतलब समझ रहे हो, अभी धीरे धीरे हम लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे, और मुझे लग रहा है सबका एक समय रहता है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा था 2020 के लिए जितने गाने मुझे देने चाहिए, जिस टाइप के गाने देने चाहिए, ये मेरे को सही समय लग रहा था तो मैंने ये ड्रॉप किया, तब जैसा मेरे को जो जो सही समय लगेगा वैसा ड्रॉप होते जाएंगे भाई। मतलब ये आपने एटम बम छोड़ा है 2020 के एंड होते होते आप गोला बम बारूद बम सारे छोड़ दोगे ना? सारे धीरे धीरे सब आने वाले क्या, तो मतलब निजी आफत लाएगा इस साल? हाँ आफत लाएंगे भाई। ठीक है भाई। सो भाई अच्छा मुझे बताओ यार कि घर वाले कितने खुश हैं, आप क्या बात करते हैं घर पे, रैप एल्बम आई सुनाई घर वालों को? हाँ मुझे सरप्राइजिंगली कॉल आया था मेरे डैड का,
अच्छा मगरिब रिलीज होने से एक रात पहले मुझे कॉल आया कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी से भी कि मेरे फैमिली वाले कुछ ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डैड का ध्यान था, वो देख रहे थे कि मैं रोज पोस्ट कर रहा हूँ कि आज आने वाला है कल आने वाला है। तो 8 तारीख उनको याद था, उन्होंने 7 तारीख को कॉल किया, मुझे बेस्ट विशेस दिए। तो वो मेरे लिए बहुत सही मोमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको भी एहसास है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और उनको अच्छा लग रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा भी प्राउड नहीं है, थोड़ा बहुत तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि किस लाइन में जा रहा है वगैरह, उनको फिकर है, लेकिन वो भी मतलब मुझे लगता है समझ पा रहा हूँ मैं उनकी फिकर, एक तरीके से सही सोच रहे हैं। अपनी औलाद के बारे में कोई भी फिकरमंद तो होता ही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं उन लोग कि मैं स्टेबल रह पाऊंगा कि नहीं, या म्यूजिक में मैं और घुसते चला गया तो कभी कुछ सही नहीं गलत नहीं कुछ ऐसा सही गलत के बीच में बस अगर मैं फर्क पहचानूं और अपना भरोसा वापस जमा लूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे घर वाले और समझने लगेंगे मुझे। सही है, मुझे लगता है अंकल जी अगर आप देख रहे हो तो आपका लड़का खतरनाक काम कर रहा है, लोग पागल हैं इसके। सही है भाई। और कुछ और क्या करते हैं जनरली लाइफ में, मतलब सच बताओ, मतलब आज तो इंटरव्यू सवाल मैं चाहता नहीं और कुछ सवाल मैं पूछूं, जितने दो भाई बड़े टाइम बाद मिले हैं, मतलब लास्ट इंटरव्यू किया था 4 महीने हो गए, और क्या चल रहा है लाइफ में, सुबह उठते क्या करते हो, मतलब मचाते भाई हम लोग का काम मचाना, कितना मतलब पूरा टाइम, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ सब में मैं मजे लेता हूँ चीजों के, मतलब लाइफ अपना इंटरेस्टिंग रखता हूँ, मतलब जो जो चीजें मुझे बोर करती है जिसमें मजा नहीं है वो चीजें मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, तो सही लोगों के साथ रहता हूँ, सही जगहों पे रहता हूँ और घूमता फिरता हूँ, सीखता हूँ, खाता पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को, जो मेरा मन बोलता है जो मेरा दिल बोलता है वो करता हूँ, जिधर जाना है जिधर नहीं जाना है, जिधर नहीं जाने का मन है उधर नहीं जाता, जिन लोगों के साथ नहीं उठने बैठने का मन है उन लोगों के साथ नहीं उठता बैठता हूँ, और नए दोस्त बनाए, नई जगह पे वो बांद्रा में, तो वहां पर नए लोगों से मिलता हूँ, आधी इंडस्ट्री वहीं रहती है तो बहुत सारे लोगों से नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है, और जिम जाता हूँ भाई, आजकल जिम शुरू किया है। हाँ ये देखा मैंने भाई, थोड़ा सा थोड़ा शर्ट वाला थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर तो कर दो, ऊपर ऊपर। हाँ देखा मैंने यार, लगता है मेरे को भी बॉडी बनानी पड़ेगी तभी दोनों भाई सेम हो जाएंगे। अच्छा बॉम्बे 70 छोड़ दे फिर? बॉम्बे 70 अभी भी मैं जाता हूँ और छोड़ा नहीं है मैंने। हाँ। मेरा दो दो घर है वहां पर और मेरे मेरी फैमिली वहां पर, मतलब मेरी आंटीज, मेरे मॉम वगैरह के साथ मैं इधर आया हूँ, मेरी आंटीज वगैरह जो है वो उधर 70 में है, और मेरा वीकली वहां पर एक वो रहता है, विजिट रहता है, जो मैं 70 जाता हूँ तो मुझे अपनी रूट्स की पहचान होती है, अपनी अपनी पहचान, मतलब जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो मुझे वहीं से मिलती है। बांद्रा में मुझे वो फील नहीं आता है, बांद्रा में सब अमीर लोग हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है और सब सबकी जिंदगी अलग है, और वहां पर असली स्ट्रगल असली हसल वहां पर है भाई 70 में। तो मैं जब भी वहां विजिट करता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं, मुझे एहसास होता है कि जो भी मुझे मिला लाइफ में वो सब एक ब्लेसिंग है, सब चीज की मुझे कदर होती है, मुझे अपनी पहचान होती है कि मैं क्या हूं, मुझे 70 में जाने के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए मैं रेगुलरली वहां विजिट करते रहता हूँ, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं, वहां लोग से मिलता हूँ, जो लोग मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरी फैमिली है। तो 70 मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ भाई, अभी तो मेरा प्लान वो है कि बांद्रा वांद्रा थोड़ा शौक पूरा करके वापस 70 ही जाना है। हाँ 70 में मतलब क्या, मतलब अभी जब जाते तो लौंडे वोंडे बोलता है यार नेजी भाई बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, बांद्रा वाले हो गए तो ऐसा कुछ बोलते हैं? हाँ भाई एक तो जैसे मैंने मगरिब में भी बोला हो कि छोड़ दू 70, लाइफ करू सेट, लाइफ का रूटीन मेरा, वाइफ करू सेट, नाइफ से कुकिंग बेटा, हाइट करू चेक, माइक पे फिटिंग बेटा, हाइप करू मैं, तो छोड़ दू 70 बोल दिया तो पब्लिक को लग रहा है कि मैं सही में छोड़ दिया हूँ भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 70 मैं कभी नहीं छोड़ सकता, वो एक राइम है जो मतलब मोटिवेशन के लेके, हर इंसान जाता है मास्टर्स की डिग्री के लिए बाहर जाता है, तो वैसे ही मैं बाहर गया हूँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, ताकि मैं फोकस कर पाऊँ अपना काम कर पाऊँ, लेकिन मेरा घर तो 70 ही है, उसको 70 और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है, बट 70 दिल में है ना भाई। हाँ बॉम्बे 70 दिल में। अच्छा ये नो जैसे अभी जिम चालू कर दिया है, चिल कर रहे हो, बॉम्बे 70 जा रहे हो, नई इंस्पिरेशन ले रहे हो, ये लास्ट टाइम डेट पर कब गए थे?
अरे भाई तुम ये सब सवाल क्या पूछते हो यार, लड़के पूछती मेरे को मैसेज मेरे को जो आजकल मुझे सिर्फ एक ही टाइप के डेट्स मिल रहे हैं भाई। क्या कि तुम्हारा पीआर इंटरव्यू है, तुम्हारा तुम्हारा शो है, मतलब यही डेट्स के बारे में मैं जानता हूँ, इसके अलावा कोई डेट्स नहीं है भाई। ठीक है तो इसमें मैं और गंभीरता से बात करता हूँ, एक भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं जो कि नेजी भाई के मैनेजर हैं। ठीक है तो अच्छी बात है, बैक टू बैक एल्बम के प्रमोशन हो रहे हैं, बट ये दूसरी डेट्स भी जरूरी होती ना। हाँ भाई को जरा समझाओ कि समझाओ मतलब लाइफ में मतलब मुझे कोई कोई ऐसी डेट्स मतलब स्किप करने बोलो उन लोगों। हाँ एक ताकि मैं दूसरी डेट्स कर पाऊँ। हाँ केमिकल लोचा होता है ना हमारे मतलब बॉडी में, तो ऐसे भाई को मतलब यार दिल वाला प्यार है, गाना इतना प्यारा बनाया भाई ने, उसमें जज्बात निकले वो तो नहीं, बट उनको उनकी तो डेट्स तो अभी सब फिक्स है, सारे मंथ्स की डेट्स फिक्स है, तो उनके पास टाइम है जिम का, उनको अच्छा खाना खाना है, उनको अपनी सेहत पे ध्यान देना है। हाँ। अभी उनको बस फोकस करना है अपने नए गानों पे। अब ऑब्वियसली भाई ने इतना बड़ा एल्बम लॉन्च किया हुआ है, मगरिब 6 सॉन्ग्स कोई नहीं करता है, रिकॉर्ड है इंडिया में, किसी ने नहीं किया है 6 सॉन्ग्स को, सब शाय है इतने सारे गाने एक साथ निकालने से, बिकॉज नोबडी इज कॉन्फिडेंट। इट्स अ बिग थिंग दैट नेजी भाई ने अभी 6 गाने निकाले हैं, और आई एम श्योर अभी कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, बट वो हमें भी नहीं बता रहे मेरे पास क्या चल रहा है। बहुत सारे गाने हैं, अब और भी गाने आएंगे, एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि और 6-7 नए गाने आने वाले हैं बहुत जल्दी। So, सही सही इसको पता चल गया, वाइफ का अंदाजा हो गया मुझे पता है, इसने मेरे साथ रह रहे मेरे को समझ लिया थोड़ा बहुत। सही तो ये जरूरी है, देखो पूरा मैनेजर तो बस एक टर्म है बाहर बोलने के लिए, अंदर तो सारे भाई है। करण भाई मुझे बताओ अगर कोई भी यंग रैपर को कोलैब करने नेजी भाई के साथ, सो ही इज द गाय ना। यस आपका इंस्टा हैंडल में डाल दूंगा, तो भाई को परेशान करना जिन दिन भाई को नेजी भाई का कोलैब करना है, ठीक है? डायो किसी को लटकाता नहीं है। हाँ ये अच्छी बात है, लटकाते नहीं, मतलब अगर होगा तो हाँ होगा, नहीं तो ना होगा, नहीं तो ना होगा। और मतलब मैं एक पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा आशिकी में टाइम दो, आशिकी बहुत जरूरी है। नहीं भाई तुम क्या मेरे मैनेजर को आगे पंप कर रहे हो, तुम मेरे को बोलो ना क्या शॉर्ट है, तुमको आशिकी चाहिए यहाँ नहीं मुझे चाहिए, टाइम निकालेंगे, टेंशन मत लो, तुम मेरे मैनेजर को मत परेशान करो। चलो ठीक, वो सही में मेरे को छुट्टी दे देगा तो मेरे लग जाएंगे भाई। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ ज्यादा छुट्टी नहीं चाहिए भाई, ऐसा मैं खुद चाहता हूँ छुट्टी ना मिले आपको, सिर्फ एक दो दिन मिले बॉम्बे 70 जाने के लिए या डेट वेट के लिए, बाकी आप इस साल और एल्बम निकालो। मेरा प्यार मतलब मैं 70 से इतना प्यार करता हूँ, मेरे शहर से और मेरे काम से ही मुझे प्यार है, जो प्यार का जो प्रपोर्शन होता है ना वो मैंने बांट दिया है, समझ रहे हो? हाँ भाई। सिर्फ एक एक लड़की पे सीमित नहीं है मेरा प्यार बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गया है, अभी बहुत सारे लोगों में बढ़ गया है, चीजों में बढ़ गया है, और मुझे अपने देश से प्यार हो गया, अपने शहर से प्यार हो गया, जगहों से प्यार हो गया, कि दिल चाहता है कि वहीं रहूं, वहीं टाइम स्पेंड करूं उन लोगों के साथ, आबो हवा से प्यार हो गया, नेचर से प्यार हो गया, मुझे बहुत सारी चीजों से प्यार, फिलोसफी से, गानों से, मजहब से, अपने देश के कल्चर से, हर चीज से मुझे बहुत सारी चीजों से प्यार और लगाव हो गया भाई, तो उसमें जगह नहीं बचती है कि वन ऑन वन किसी के साथ प्यार करूं, समझ रहे हो? क्या बात है भाई, मतलब ये जो आपने बात बोल दी ना, मतलब करोड़ों की बात की आपने, लेकिन करोड़ों रुपए आपको दूंगा नहीं, और लव यू वाली बात है भाई आपके लिए बहुत से, एक मेरी रिक्वेस्ट है यार, मतलब जो मुझे बहुत सारे लोगों ने यार आफत वापस, वो जो आफत जो फर्स्ट ट्रैक था याद है जो आईपैड से शूट करा था, वो उसके बाद कुछ होगा फ्यूचर में? हाँ क्यों नहीं, अभी उसके साथ भी हम लोग बहुत सारे मुझे प्लान्स आते रहते हैं, कोई लेबल से कभी इधर से उधर से मेरे को लोग सजेस्ट करते कि तुम उसका रीमेक करो रिमिक्स करो, लेकिन मेरा मानना है कि जब अच्छी चीज बनती है ना तो वो एक ही बार बन जाती है, और उसको फिर तुम कितना भी कुछ भी करोगे ना उसमें उंगली, तो वो मेरे को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं कुछ करना नहीं चाहता उस गाने को, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में होगा तो कुछ प्रोडक्शन वाइज हम लोग रिक्रिएट करना चाहेंगे उसको शायद। ये तो बहुत अच्छी खबर है, वैसे याद है वर्स उसको थोड़ा बहुत? हाँ क्यों नहीं भाई, मेरी कहानी अनजानी दीवानी सी, बेगानी सी, शातिरशानी सी, बातें सब राते, कब काटे कब सोके कब खाके, मौके पर जागे गिरा, चौके भी मारे हमने, छक्के भी मारे, हम रैपिंग के बारे में पक्के भी मारे। क्या बात है भाई, मतलब ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है भाई। देखो अब तो बैंड और बॉम्बे 70 लगा रहता है, तो ऐसे कभी होगा आपके साथ कि किसी फैन मैन ने दबोच लिया? हाँ भाई बहुत होता है, अभी नई जगह पे तो बहुत हो रहा है, क्योंकि बॉम्बे 70 में भी पब्लिक की थोड़ी फट्टी वट्टी थी क्या हम लोग के पास आने के लिए, कि एरिया थोड़ा खतरनाक है, ज्यादा लोग आते नहीं थे वहां पर, थोड़ा हिचकिचाते थे। याद है मैं आता इंटरव्यू करने, हर 2 मिनट पर ट्रेन निकल रही थी, तुमको सलिया वालिया बिल्डर वाले एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेके गया था,
हाँ तुमको चेक करने वाला था बाम्बू बाम्बू से, याद है कि नहीं? अरे भाई उससे पहले तो जब मैं आया था आपको बताया थी सुनियो था कि जब मैं आया तो आपने बोला कि 5 मिनट बाहर हूँ, तो मैं वहां पर वेट करने लगा और सारे जितने भी लोग थे सब देख रहे ये कौन है, क्योंकि कैमरे के बैग थे लाइट के बैग थे, ताम झाम रहेगा तुम्हारे पास तो तुमको और लोग शक की नजर से देखेंगे क्या करने आया हमारे को भी शूट करा ये। तो वहां पर जल्दी कोई मेरे को परेशान इजिली नहीं कर पाता था, लेकिन अभी बैंड्रा में कैसा थोड़ा अलग स्पेस है, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए और ऐसा घूमने फिरने वाले बहुत सारे लोग हो गए जो जिनको जो रुकते इंतजार करते मेरे घर के आसपास इधर उधर, तो उन लोग तो मुझे प्यार ही करते, मतलब लव के वजह से उन लोग वहाँ आए, लेकिन उनको मेरा पर्सनल लाइफ को ऐसा मतलब इन्वेड नहीं करना चाहिए था, गलत करते कभी कभी के मुझे नॉर्मली रोक लेते फोटो खिंचाना चाहते, तो परेशान तो करते हैं लोग, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ फेम और ये जो साथ में आता ही है और इसको हैंडल कर रहा हूँ मैं भी, कुछ लोगों से मिलता जुलता हूँ, कभी मैं फोटो खिंचाता हूँ कभी नहीं खिंचाता हूँ, तो जिनके साथ नहीं खिंचाता हूँ बुरा मत मानना, क्योंकि कभी कभी मैं मूड में नहीं रहता हूँ, सही से ड्रेस्ड नहीं रहता हूँ, या मैं कुछ और कर रहा होता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ, तो वो लोग मिलते ना एरो की यार न्यूज़ी एरो के फोटो नहीं खिंचा, बट ये समझना जरूरी है, क्या पता यार घर से डांट पड़ी हो, मम्मी ने डांटा हो, सही बात है, क्या आज मूड खराब है, सही बात है। और फिर दूसरी चीज ये भी होती है ना कि मतलब मैं सही जोन में होंगे नहीं, वही मेरा माइंड सही जोन में आएगा, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप कॉन्सर्ट पे मिलो मेरे को, शो पे मिलो, इधर उधर मिलो, जिधर मैं नेजी बन के जा रहा हूँ लेकिन नाविद बनकर जिधर जा रहा हूँ उधर मेरे को मिलके तुम बोल रहे फोटो खिंचाओ तो भी कैसे होएगा। हाँ ये बात कह रहे भाई, पूछ रहे नेजी भाई से अगली बार कि भाई आज क्या हो, नाविद है या नाविद शेर को या नेजी हो, ठीक है? तो भाई जाने से पहले आप सोच रहा हूँ कि भाई एक रिक्वेस्ट करो कि जो आपकी नई ब्रांड न्यू अमीरों वाली कार है उसमें हम गेड़िया मारेंगे। हाँ क्यों नहीं, कब रात को मारनी, मतलब आप तो रात ही को मारते हो, आओ कभी भी आओ भाई हमारे एरिया में आओ, तुम्हारा स्वागत है, मुंबई 70 या बैंड्रा कहीं पे भी, बीकेसी पे मिलो, बीच में मिलो, तुम बैंड्रा गुरलाव कॉम्प्लेक्स में मिलो, ठीक है भाई उधर मैं मिलता हूँ। और देखो जाने से पहले अभी तो मैं निकल रहा हूँ, तो कुछ लाया था भाई आपके लिए, हाँ दे दूँ? दे ना भाई, तुम हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते हो। हाँ भाई इस बार मैं लेके जाऊंगा कुछ आपके साथ, हाँ पंच तो दे दिया था हाँ यार बहुत तेज मारा था झंडू हम लगाना पड़ेगा, फ्री में ब्रांडिंग नहीं करनी तो आई। देखो ये बॉक्स है अर्बन मंकी की तरफ से और राजजोंस की तरफ से, तो ये जो भाई इसके अंदर आप खोलने वाले बहुत अनरिलीज्ड है, अभी तक मार्केट में आया नहीं है, एक नंबर भाई, शाउट आउट अर्बन मंकी राजजोंस, थैंक्स गाइस, कैसा नंबर, कैसा लगा ये अर्बन मंकी, ये भी अर्बन मंकी है ये डूब है भाई आपके गानों की तरह, एक नंबर भाई, पब्लिक मचाओ बहुत प्यार, दिल से प्यार, नेजी द बा या। और ये नए मैंने ब्लॉग चालू करे नेजी भाई के साथ, मेरा फर्स्ट था, इसके बाद दो और आएंगे जो कि मैं लोनावला गया था और गोवा गया था, तो नेजी भाई क्या करना है मतलब और ब्लॉग्स देखने के लिए, ब्लॉग्स देखने के लिए राज जोंस को चेकआउट करना है क्या, दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा अभी मुंबई गली और हिप हॉप में घूम रहा है, अभी बहुत हार्ड हो गया है समझ लो, इसको ब्लॉग चेकआउट करो और इसको बहुत सारा प्यार दो और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पब्लिक मचाते रहो, अपना नया एल्बम मगरिब चेकआउट, उसको फटक से जाके चेक करो, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एल्बम है। अच्छा भाई इसके अलावा जाते तो एक और सवाल आ गया कि यार मुंबई आ चुका हूं मैं तो हिप हॉप के लिए जहां पर खतरनाक हिप हॉप हो रहा है किन गलियों में जाऊं मैं, कुछ इलाकों का नाम बताओ, धारावी तो मुझे पता है, उसके अलावा तुम माटुंगा लेबर कैंप में जाओ, इधर न्यू बॉम्बे के अंडरग्राउंड जो स्टेशन है वहां पर होता है, बीकेसी पे होता है, सिटी पार्क पे होता है, फिर अंधेरी वर्सोवा गोरेगांव ऐसे किधर पे भी बहुत सारे एरिया में होता है, तुमको सही आर्टिस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कभी कभी साइंट फोर्ट पे होता है बैटल लोग करते रहते, तो जो अंडरग्राउंड की पब्लिक है सीट में जो पब्लिक है उन लोग से फाइंड आउट करना पड़ेगा तुमको किधर क्या हो रहा है कभी हो रहा है, फिर तुमको जाके ज्वाइन करना पड़ेगा समझ लो, ठीक है भाई डन से नीज भाई ने बोल दिया, मुझे पता लग गया मुंबई के हिप हॉप को मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा, और पीछे आपको दिख रहा ना क्या है, ओह मैं और मेरा भाई नीज मगरे जाके चेक करूंगा, बाय।